जरूरत क्या पड़ी, आज हम यहाँ क्यों आए, आज हमारी हमें लिए स्कूलों के लिए संकट खड़ा हो गया। हमारी बहन बेटियां जो हमारे स्कूलों के अंदर शिक्षक के रूप में काम करते हैं, हमारे भाई और जो ड्राइवर और जो स्कूल में 40 से 50 मिनिमम लोग काम करते हैं, 20,000 से 25,000 50,000 लोग जो है शिक्षक के रूप में काम करते हैं, कितने ही ड्राइवर्स सैकड़ों गाड़ियों में वर्क कर रहे हैं, उनके रोजी रोटी के अंदर हम लोग भी सहभागी बने हैं। इसलिए सरकार से आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप लोग भी इस शिक्षकों की तरफ भी देखें और उनका भी उज्जवल भविष्य, उनके परिवारों का उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग इसका समाधान निकाल। सरकार के द्वारा अचानक जो है स्कूलों की छुट्टियाँ घोषित कर दी गई है, जबकि इसको स्कूल बंद की संज्ञा अगर देते तो मेरे को लगता है स्कूल बंद की संज्ञा है, ये छुट्टी नहीं। तो क्या स्कूल बंद करने से ही कोरोना खत्म हो जाएगा? मतलब यहाँ सारा कोरोना सेफ है, कोरोना स्कूलों में बैठे। तो ये जो शिक्षा के ऊपर जो कुठारा घात हो रहा है, और शिक्षा ही एक देश की नींव जो रीढ़ की हड्डी होती है, और ख़ास करके जो बजट स्कूल, ग्रामीण स्कूल या गरीब बच्चे जो हैं उनके जो स्कूल हैं, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन के गजट्स भी नहीं हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं है, वो सुविधा नहीं है, उनका जो है बहुत बड़ा एक लर्निंग गैप और नुकसान पड़ रहा है, जो वर्ल्ड बैंक ने भी $400 बिलियन का आंका है। और जो आपने देखा गर्मियों में ही बच्चों को अगर जब छुट्टियां होती तो पढ़ना लिखना भूल जाते हैं, आज सवा साल से ऊपर पीरियड हो गया बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, वो तीन तीन साल पीछे जा चुके हैं, आपस में स्कूलों और अभिभावकों के बीच में इन्होंने खाई पैदा कर दी है, और शिक्षा की इनको चिंता ही नहीं है। आज सारा शहर खुला हुआ है, आप देखिए कभी कहीं पर पहले नाइट कर्फ्यू से शुरुआत की जाती है, फिर उसमें का बाद कहा जाता है कि चलो 50% की स्ट्रेंथ से ऑफिस खुलेंगे, और स्कूलों को एकदम ही घोषित कर दिया जाता, अभी किसी पे कोई घोषणा नहीं हुई। पता नहीं कहाँ से सरकार को कोई पर्ची आई है, वो कहते हैं पर्ची खर्चे की सरकार नहीं, लगता है मुझे लगा पर्ची की सरकार तो होगी, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री ने तो घोषणा नहीं की, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, जबकि हमारे विभाग का मालिक हमारा शिक्षा मंत्री है, वो अच्छे इंसान है, उनको घोषणा करनी चाहिए थी। खट्टर साहब ने गुड़गांव से घोषणा कर दी, मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को भी हो सकता है विश्वास में ना लिया हो, अब तो हमारे मंत्री जी हो सकता है कह देंगे सामूहिक जिम्मेदारी के नाते, लेकिन वो एक भले इंसान है, उनको नहीं पूछा, हमारे प्रतिनिधियों को नहीं पूछा, हो सकता है अगर हमें पूछा होता और कन्वेंस, या तो हम उनको कन्वेंस करते या वो हमें कन्वेंस करते। अगर हमें लगता क्या हमारे बच्चे नहीं है, हमें अपने जान की फिक्र नहीं है, हम बिना बाल बच्चे वाले, स्कूल वाले सारे बाल बच्चे वाले, हमें बच्चों की भी फिक्र है, हमें अपने
अपनी भी फिक्र है जान की, हमें समाज की भी चिंता है। अगर बुलाकर हमसे बात की होती, या तो हम उनको समझाते या वो हमें समझाते। ऐसा भी तो हो सकता था कि 50% की स्ट्रेंथ से स्कूल जो है खोले जा सकते थे। अभी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं आ रही थी, आप भी अभिभावक हैं, स्कूलों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, थोड़ा पटड़ी पर स्कूल चलने शुरू हुए थे। तो ऐसा क्या हो गया कि सारा देश खुला हुआ है, सारा हरियाणा खुला हुआ है, और एक स्कूल को बंद करने से जो है ज्ञापन दिया है, क्या मांग कर रहे हैं? हमने उसमें ज्ञापन में एक तो मांग ये की है कि स्कूल तुरंत प्रभाव से खोले जाए, बैठ के बातचीत की जाए, और अगर फुल कैपेसिटी में नहीं खोल लें 50% 60% अल्टरनेटिव डेज पे ब्लेंडेड लर्निंग से, बहुत सारे मेथड हैं, स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने कहा है कि हमारे टीचर्स बहुत बेरोजगार हुए, बहुत प्रभावित हुए, तो तेलंगाना सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है साउथ की, उन्होंने 2000 रुपये प्रति माह और 25 किलो चावल टीचर्स को देने की घोषणा की है। इस दौरान जो प्रभाव टीचरों पर पड़ रहा है, तो हमने हरियाणा सरकार से मांग की है कि हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्रीय बहुत से 80% बजट स्कूल्स हैं, उनको 3000 रुपये प्रति माह दिया जाए। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, क्या प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए 1 रुपया भी इनके पास नहीं था, जिनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है? देखिए, अन्नदाता की बात ये नहीं सुन रहे, मान नहीं रहे, राष्ट्र निर्माता की ये नहीं, जिनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है उनकी बात ये सुनने को तैयार नहीं। क्या उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे लिए कुछ नहीं है? 2 करोड़ टीचर है, अब आगे क्या रहेगा आपका? हमने स्कूल खोले हुए हैं, हमने स्कूल खोले हुए, हमने साफ कहा था हमने स्कूल खोलेंगे। अगर शिक्षा देना अपराध है तो हमें चाहे जेलों में डाल दे सरकार हमारे से बैठ के बात करे, या तो हमें कन्विंस करे या हम उनको कन्विंस करें। बैठकर प्रजातांत्रिक तरीके से बात होनी चाहिए, ये नहीं कि बैठे बैठे आपने घोषणा कर दी, ये प्रजातंत्र नहीं है, शिक्षक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।